तो दीपक बाबरिया जी के पास एक मैसेज आता है 8 अक्टूबर को, और उस मैसेज में कहीं कहीं जो सीटों की सेटलमेंट की बात है कि इतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इतनी फिर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये पूरा उन्होंने विवरण दिया है और उस मैसेज का हवाला दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में सरकार को बने हुए भी 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। जैसे ही परिणाम आते हैं, परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे को उठाती है। चुनाव आयोग द्वारा जवाब दिए जाने के बाद फिर से नेता बहुत सारे और आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी फिर से जो पार्टी अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के उदयवान, उन्होंने एक बार फिर से जंग छेड़ दी है, बयान देकर कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। आइए इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो धराशायी हो गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन पे कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें ईवीएम का आरोप भी एक लगाया गया, उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दे दिया। उसके बाद और कई तरह के जो आरोप थे अपने पार्टी नेताओं पर भी लगे, लेकिन अभी जो पार्टी अध्यक्ष हैं उदयवान, उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 8 तारीख को, सॉरी, जिस दिन परिणाम आने थे 8 अक्टूबर को, उसी दिन सुबह दीपक बाबरिया को एक मैसेज आता है और उस पर लिखा हुआ था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और आप 14 जो है विधानसभा क्षेत्र उसमें छेड़छाड़ हो रही है और वहां पे आप हार सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए राजेंद्र जी, एक हरियाणा में कहावत है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर को पीटना। मुझे लगता है कांग्रेस की यही हालत हुई हुई है, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा वो था कि जीत का बड़ा आत्मविश्वास थी जीत के लिए कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव। आत्मविश्वास नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा उसको। ओवर कॉन्फिडेंट थी वो कांग्रेस की पार्टी के सारे लीडर, और उस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से उन्होंने कई गलतियां की हैं, और उन गलतियों को भी कई लोगों ने, कांग्रेस के लीडरों ने ये कहा, स्वीकारा है कि इन गलतियों से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। जैसे कांग्रेस पार्टी में संगठन न होना, अनुशासन न होना, और इसकी वजह से कहीं कहीं जो चुनाव कैंपेन था उसमें अलग अलग तरह के उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी की, चाहे सरकारी नौकरियों पर एक चुनाव की के लिए जो कर्मचारियों का चयन किया जाएगा वो हमारे ही लोगों का चयन किया जाएगा, इस तरह के जो कई बयान आए जो उन्होंने, दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने जो उसमें फायदे के लिए उन्होंने यूज किया। और अनुशासन की जहां तक बात आई है, तो अनुशासन तो मुझे लगता है बिना संगठन के अनुशासन तो था ही नहीं, चाहे उनकी कुमारी शैलजा का गुट की बात हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की बात हो, और कई तरह के जो मामले हैं, कई तरह के जो इश्यूज हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही लगाई। और अब जो कांग्रेस के प्रधान है उदयवान ने एक कल ही एक बयान दिया कि ईवीएम को हैक किया गया है, और ईवीएम के हैक करने से 14 सीटों पर उनकी हार हुई है, और 14 में से उन्होंने 4-5 सीटें तो ऐसी बताई हैं जिनमें 3000 से भी कम वोटों से कांग्रेस पार्टी हारी है। सीधा सीधा उन्होंने ईवीएम हैकिंग का आरोप उन्होंने लगाया है, और 1 महीना बीत जाने के बाद ये स्टेटमेंट दी है। हालांकि पहले भी कई बार जो अलग अलग तरह की स्टेटमेंट उदयवान देते रहे हैं, लेकिन अब जो ये बड़ी एक ईवीएम हैकिंग का मामला जो उन्होंने उठाया है, हालांकि ये मामला पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग के सामने भेज चुके हैं, ये शिकायत ईवीएम हैकिंग की, और जो बैटरी का बैकअप की मामला था, बैटरी बैकअप एक में 99 और कईयों में जैसे 70% जो बैटरी चार्जिंग का मामला हुआ था, वो सारा मामला उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा था।
चुनाव आयोग ने जैसा आपने बताया कि 1642 पेज का जवाब उन्होंने दे भी दिया है, मुझे लगता है चुनाव आयोग ने उनके जो कंप्लेंट थी उस पर कोई ज्यादा संज्ञान नहीं लिया और एक उन्होंने तैयारी करके एक उसी मामला जो है उनको जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाई नहीं है। अब वो हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और हाईकोर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन अभी एक महीना बीत गया है, एक महीना बीत जाने के बाद भी वो इतने सारे जो क्लू हैं वो नहीं बता पाए कि किस एक मेन जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैसेज जो कंप्लेंट है वो किस प्रकार से तैयार की जाए। देखिए दीपक बाबरिया को कहा जा रहा है कि मैसेज आया था, मैं उसी बात पे हाँ जी उदयवान ने जैसे अभी कहा है कि दीपक बाबरिया जी जो प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी थे हाईकमान की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, हर एक प्रदेश में ये होता है, तो दीपक बाबरिया जी के पास एक मैसेज आता है 8 अक्टूबर को और उस मैसेज में कहीं ना कहीं जो सीटों की सेटलमेंट की बात है कि इतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इतनी फिर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये पूरा उन्होंने विवरण दिया है और उस मैसेज का हवाला दिया है कि इस प्रकार का जो मैसेज आया है वो कहीं ना कहीं उसमें एक एक हमारे लिए एक सबूत है, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम की हैक करवाई, ईवीएम को हैक करवाया, उससे पुख्ता सबूत कहीं कहीं मिलता है। लेकिन जो पुख्ता सबूत की हम बात करते हैं तो जब काउंटिंग के दौरान जो 11 बजे के बाद जो एक काउंटिंग में कहीं ना कहीं ठहराव हुआ था, उस ठहराव को लेकर भी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो अपडेट नहीं हो पाए थे 12 बजे के बाद। जयराम रमेश ने तुरंत चुनाव आयोग में दिल्ली में पहुंचकर उनको कंप्लेंट दी और उनकी कंप्लेंट मुझे लगता है सारी कंप्लेंट चुनाव आयोग ने इकट्ठा की, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग ने कई दिन के बाद जो मैसेज जो जवाब दिया है उससे भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग सेटिस्फाई नहीं। और जब मैसेज की बात है, जहां तक मैसेज की बात है, तो मैसेज की ना देखना ये कहीं ना कहीं वही साबित करता है कि जैसे मैंने आपको कहावत के बारे में कहा था कि सांप निकलने के बाद लकीर का पलटना, और इतनी ही एक्टिव जो कांग्रेस के जो हाईकमान के नेता थे वो इतने भी एक्टिव नहीं थे कि मैसेज जो 8 अक्टूबर को जो मैसेज आ रहे हैं जिस किस प्रकार के मैसेज मिल रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो रिव्यू नहीं कर पाई, उनको नहीं देख पाई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में लेकर कहीं ना कहीं धूल में लठ मारती दिखाई दी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों चाहे दीपक बाबरिया रहे हों प्रभारी रहे हों, वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं इस तरह की जो कांग्रेस की हार का ठीकरा जो एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पता होना चाहिए कि अभी पता लगाना चाहिए इन्होंने कि मैसेज किसके द्वारा डाले गए थे, अगर मैसेज का के बारे में ये नहीं बता पाती कांग्रेस पार्टी के किसके द्वारा डाले गए थे तो मुझे लगता है अभी वही है कि धूल में लठ चलाने फैक्ट्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, धूल में तीर चलाने वाली बात है जी जी। और जहां तक जो ये उदयवान जी ये कह रहे हैं कि अब अगर उसका नाम उजागर कर दिया तो जिन्होंने मैसेज डाल लेते उनको कहीं ना कहीं उनका सुरक्षा का खतरा है, और सुरक्षा के खतरे को लेकर भी उन्होंने चुनाव आयोग में देना चाहिए था, ये कंप्लेंट देनी चाहिए थी और अभी एक मांग करी जाए कि चुनाव आयोग से और या हरियाणा गवर्नमेंट से केंद्र सरकार से कि इस प्रकार के हमारे पास सबूत हैं कि और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी जी, हालांकि ये केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय गृह विभाग का काम है सुरक्षा प्रदान करने का, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने उजागर करना चाहिए कि किस व्यक्ति की किस माध्यम से वो कंप्लेंट आई थी, वो जो मैसेज डाला गया था दीपक बाबरिया को वो किस माध्यम से आया था, और ये कहीं ना कहीं गलती पे गलती करती रही है कांग्रेस पार्टी, और गलती पे गलती करने के कारण ही एक दूसरे पर जो हार का जो ठीकरा है एक दूसरे के सिर फोड़े जा रही है, और ये सामने आना चाहिए कि किन के द्वारा किस माध्यम से और किस नंबर से उनके पास जो मैसेज आया था कि फला फला सीट पर सोर्स तो पता होना चाहिए ना, कौन सा सोर्स है जिस सोर्स से आपको ये चीजें पता लगी हैं, फला फला सीट पर सेटिंग की गई थी जी जी जी, तो इस तरह की जो बात हुई थी तो उजागर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अभी तक अपने जो कंप्लेंट है जो एक अपनी याचिका दायर करनी है हाईकोर्ट में
उस पर भी मुझे लगता है अभी तक कांग्रेस पार्टी तैयारी नहीं कर पाई है। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी तैयारी नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस इस बारे में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर को पीटे जाना। तो एक चीज मुझे बताइए कि जैसे ही चुनाव होते हैं ये एक पत्र लिखते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसका जवाब इनको मिल जाता है, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चलता है, उसके बाद आज फिर से इस तरह के बयान आना, और क्या लगता है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या हो सकता है? और अगला कदम मान लो वो हाईकोर्ट जाने की बात करते हैं, या इसके अलावा कोई और अगला कदम होता है, उसका कोई फायदा कोई यूज कांग्रेस पार्टी को हो सकता है? देखिए, कांग्रेस जब जब भी किसी स्टेट में या लोकसभा में या जहां भी कांग्रेस की जब जब भी हार होती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ती है, और कांग्रेस ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाकर ईवीएम के साथ खेला करने का जो आरोप कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती आ रही है, और अब भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी के सभी जितने भी चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी चुनाव जीते हैं वो ईवीएम को हैक करके जीते हैं जी। तो इस जो ये आरोप है और इससे कहीं ना कहीं पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी के पास अपने जो टीम है, जो कहीं ना कहीं जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो काउंटिंग सेंटर पे जो ड्यूटी लगी थी, उनको कांग्रेस पार्टी ने ट्रेंड क्यों नहीं किया, और उनको किस प्रकार से इस काउंटिंग को, पूरे काउंटिंग जो प्रोसेस है देखा जाना चाहिए, और इस प्रकार से कांग्रेस की कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कमी रही है, कांग्रेस की मैनेजमेंट की कमी रही है, और वो अपनी बात जो चुनाव आयोग में वो भी पुख्ता तरीके से नहीं रख पाई, इसलिए चुनाव आयोग ने भी उनको 1600 जो 42 पेज का एक जवाब दिया था, सौंप दिया है। निरंतर यही आरोप लगाती रहती है तो फिर कांग्रेस पार्टी भी उसके पास आगे करने के लिए क्या है? तो इसका मतलब ये तो फिर कांग्रेस निरंतर लगातार हार की ओर जाती रहेगी। तो इस इन आरोपों से पार पाने के लिए कांग्रेस को कुछ करना होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो माइक्रो मैनेजमेंट और संगठन की मजबूती के लिए काम करना होगा, चाहे बूथ से लेकर और मतदान केंद्र तक, और हर तरह के जो चुनाव प्रोसेस में स्टेप होते हैं, हर स्टेप पर माइक्रो मैनेजमेंट देखने वाली होती है, और उस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। जिस प्रकार से हरियाणा में भी आपने देखा, जो कांग्रेस पार्टी जीता हुआ चुनाव हार गई, और वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की उनको कमी रही है, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप मन रहे हैं, कभी गुटबाजी की बात करते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं, और कभी किसी प्रकार की बात करें, लेकिन जो असली जो क्रक है उस पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है जी। मेरा सब बात करें उदयभान जी की, उदयभान जी ने आज कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने दोष लगाया था कि जो टिकटों का बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हुआ, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आए थे। दूसरी ओर अभी कैप्टन अजय यादव जो है उन्होंने भी इसी आरोप को दोहराया, उन्होंने भी कहा कि जो टिकटों का बंटवारा है वो ठीक से नहीं हुआ और यही हरियाणा में हमारी हार की वजह का कारण है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जो उदयभान की अगर हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की एक अच्छी केमिस्ट्री है, और ये सभी लोग मानते हैं, हरियाणा के लोग सभी मानते हैं कि उनके उनके द्वारा ही बनवाया गया है उदयभान को जी। और दीपक बाबरिया के साथ भी उनका कहीं ना कहीं एक अच्छा कनेक्शन था, अच्छी टीम उनको, तीनों कि दीपक बाबरिया की और उदयभान की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी केमिस्ट्री मानी जाती रही, लेकिन यहाँ किस प्रकार से कैसे गैप रहा है ये समझ से बाहर है। दूसरी ओर जब टिकट वितरण पर सीधा सीधा आरोप उदयभान ये लगा रहे हैं कि टिकट वितरण ठीक ना होने की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है जी, ये स्वाभाविक है। देखो, सीधा सा एक कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़ा होता है, और जो दूसरे पार्टी के दूसरे लीडर हैं जो गुटबाजी पर भी एक वो
कांग्रेस की गुटबाजी पर, कांग्रेस के जो संगठन न होने के पर भी एक हार का ठीकरा अलग अलग नेताओं पर जो फोड़ते रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का कुछों का कहना है कि कुमारी शैलजा की वजह से उनकी जी हार हुई है, लेकिन लब्बर हुआ भी है कि चाहे कुमारी शैलजा के समर्थक कहते हो, चाहे एक जो अगर समीक्षा की जाएगी कांग्रेस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये टिकट वितरण और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अहम के कारण, और उन्होंने जो पार्टी का जो एक कह सकते हैं कि इनालोकरण किया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके उनको हार का सामना देखना पड़ा है। और अभी तो जो उदयभान ने जैसे कहा था कि टिकट वितरण ठीक ना होने की वजह से, तो अभी तो कैप्टन अजय यादव ने भी कह दिया है कि कहीं कहीं जो टिकट वितरण में उसमें खामी रही है, और इसलिए ओबीसी का वोट कांग्रेस से छिटक गया है, ओबीसी का वोट कहीं ना कहीं वो गेन नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि टिकट वितरण का जो बंटवारा था वो था टिकटों का बंटवारा था वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाया था। अब उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि कैप्टन अजय यादव ने जो जो ओबीसी विभाग के जो नेशनल लेवल पे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अब दोबारा से जो ओबीसी वोटर को जोड़ने का एक अभियान चलाया जाएगा, और उस अभियान का उन्होंने नाम भी दिया है भारत जोड़ो संविधान, जो 26 जी नवंबर को संविधान दिवस ओबीसी जी उनसे इस अभियान की शुरुआत वहां से की जाएगी, और पूरे देश में उन्होंने कहा कि ओबीसी को जोड़ने का एक अभियान है, संविधान से जोड़ने का एक अभियान है, वो चलाया जाएगा। लेकिन अब कितना वो आगे बढ़ पाते हैं, हालांकि जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जाति समीकरण के हिसाब से लड़ा, और ओबीसी वोट पर उन्होंने फोकस रखा, शहरी वोट पर उन्होंने फोकस रखा, जो आरक्षण का जो वर्गीकरण है, जिन इस वर्गीकरण से जिन बिरादरियों को जातियों को फायदा हुआ है, उस उन जातियों पर कहीं ना कहीं फोकस रखा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत पाई। लेकिन ये अब ये भारतीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो चुनाव में हैकिंग, जो ईवीएम हैकिंग का मामला लेकर हाई कोर्ट जाने का की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक प्रूव कर पाएंगे, ये तो हाई कोर्ट के में मामला जब भी होगा, और क्या डिसीजन हाई कोर्ट का, ये तो क्या दिशा, किस प्रकार के दिशा निर्देश हाई कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी एक प्रोसेस स्टार्ट किया है कांग्रेस न्याय का दरवाजा खटखटाने का, कहाँ तक सफल हो पाते हैं मुझे नहीं लगता इसमें कोई इसी तरह के कोई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग पहले कई बयान दे चुके हैं, चाहे गुटबाजी के बयान हो, चाहे जैसे हमने बात की कि टिकट वितरण की बात हो, तो ये सारे इस तरह के बयान देना कहीं कि ईवीएम से जो हैकिंग का मामला है वो कहीं कहीं उससे कमजोर होगा। मैंने साहब अभी आपने एक शब्द कहा कांग्रेस का इनेलोकरण, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसका क्या मतलब है? देखिए, जो एक इनेलो के बारे में कहा जाता था कि इनेलो पार्टी किसानों की पार्टी है, एक पर्टिकुलर कास्ट की पार्टी है, एक कम्युनिटी पे फोकस करती थी, छाप थी उनपे, जाट कम्युनिटी पे वो ज्यादा राजनीति करती है, और उनका एक अधिकार मानती थी जाट वोटों का। लेकिन पिछले कुछ समय से ये एक अधिकार कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में चला गया जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वही काम किया, एक जाति की को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर एक जाति के बलबूते पर चुनाव में मैदान में आएगी, तो वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि वो जो पैटर्न रहा है एनएलडी का, इनेलो पार्टी का, वो कहीं ना कहीं इस पे भी लागू होता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे खूब लागू हुआ है, और इसी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। सो दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, हार के क्या कारण रहे, ईवीएम से छेड़छाड़ रही या टिकटों के बंटवारे में जो कमियां रही हैं, या वो कारण रहे हैं? अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात करती है, आगे ये जो कांग्रेस पार्टी है इनका जो कदम होगा वो किस ओर ले जाएगा कांग्रेस पार्टी को, ये देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।